हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड, आप में से कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे मिले हैं और कुछ लोगों ने रिक्वेस्ट की थी कि सर, डायरेक्ट एंड रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर क्या डिफरेंस होता है वो हमें बताएं, और हमें कहाँ पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए ज़रा बताएं। तो आज हम लोग उस पर ही पूरी तरीके से बात करने वाले हैं यहाँ पर। तो मैं ये मान के चल रहा हूँ दोस्तों कि आपको म्यूचुअल फ़ंड क्या होता है ये आपको पता है, बट फिर भी हम लोग एक क्विक रिकैप करेंगे उसके स्ट्रक्चर को समझने के लिए कि म्यूचुअल फ़ंड होता क्या है। म्यूचुअल फंड इज़ अ ट्रस्ट दैट पूल्स द सेविंग ऑफ नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स हु शेयर ए कॉमन फाइनेंशियल गोल। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट इन्वेस्टर्स होते हैं जो अपना अपना पैसा एक जगह इकट्ठा करते हैं और AMC को देते हैं, एसेट मैनेजमेंट कंपनी को देते हैं, जिसके पास एसेट मैनेजमेंट कंपनी के पास अपने फंड मैनेजर्स होते हैं फंड को मैनेज करने के लिए। जो आपका दिया हुआ पैसा सिक्योरिटी मार्केट के अंदर यानी कि स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं और उस पर होने वाले पॉजिटिव या नेगेटिव रिटर्न्स को आपको डिलीवर करते हैं। इन्वेस्टर्स को हम लोग यहाँ पर यूनिट होल्डर भी कहते हैं। वो इसलिए कहते हैं क्योंकि दिए गए सारे पैसे को AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट कहते हैं और उनको यूनिट्स में डिवाइड कर देते हैं, और इसलिए जो यूनिट्स को होल्ड करके रखता है उसको हम लोग यूनिट होल्डर भी कहते हैं यहाँ पर। मतलब उदाहरण के तौर पर हम लोग मान लेते हैं कि 100 लोगों का दिया हुआ पैसा 50,000 है, तो एसेट अंडर मैनेजमेंट कितना होगा? 50,000 होगा यहाँ पर। यानी कि 100 अलग अलग लोगों ने कुछ कुछ पैसा जमा किया है, यानी कि किसी ने 1,000 रुपये दिए, किसी ने 15,000 रुपये दिए, किसी ने 2,000 रुपये दिए, तो ऐसे करते करते वो 50,000 रुपये हो चुका है। तो एसेट अंडर मैनेजमेंट AUM क्या होगा? 50,000 होगा यहाँ पर। तो अब ये कैसे पता करें कि किसने कितना फंड दिया है, किसने कितना फंड दिया, यानी कि ए ने कितना फंड दिया, बी ने कितना फंड दिया, सी ने कितना फंड दिया? तो उसके लिए क्या कर दिया हम लोगों ने, उसके लिए यूनिट्स बना दिए गए। तो यूनिट्स कैसे काम करते हैं आइए उसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पर एक यूनिट को 10 की बना सकते हैं, तो कुल पैसा 50,000 रुपये है, तो 5,000 यूनिट बन सकती है, और एक यूनिट की वैल्यू 10 है। तो मान लो कि ए ने कोई फंड इन्वेस्टमेंट किया था 1,000, यानी कि 100 यूनिट है उसके पास। ओके, बी ने कोई फंड इन्वेस्टमेंट किया था 15,000 रुपीज़ का, तो बी के पास कितनी यूनिट्स होनी चाहिए? 1,500 यूनिट्स होनी चाहिए, क्योंकि एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 10 है। तो इस तरीके से अलग अलग लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया होगा तो उनको वहाँ पर यूनिट्स मिल जाती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो है यहाँ पर, ये यूनिट्स है ना फ्रेंड, इसी को हम लोग यहाँ पर NAV कहते हैं। NAV यानी होता है नेट एसेट वैल्यू। तो अभी नेट एसेट वैल्यू कितनी है? 10 है। क्यों है? क्योंकि 50,000 AUM है। AUM यानी कि एसेट अंडर मैनेजमेंट है। 50,000 का हमारे पास फंड है, अगर हमने 5,000 यूनिट्स में उसको डिवाइड कर दिया है तो हमारे पास जो NAV की वैल्यू आती है, नेट एसेट वैल्यू की, उसको हम लोग बोलते हैं 10 रुपये यहाँ पर। तो अब आप यहाँ पर समझ गए होंगे कि हमारे पास 50,000 रुपये का फंड था, यानी कि 5,000 यूनिट्स हम लोगों ने बना दिए, और उसको फंड मैनेजर ने किसी सिक्योरिटी मार्केट के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर या डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर इन्वेस्टमेंट कर दिया होगा। और उसकी अब वैल्यू कंपनी के शेयर्स पे भी डिपेंड करेगी, क्योंकि कहीं ना कहीं उस अमाउंट को इन्वेस्टमेंट कर दिया है। तो जिस तरीके से कंपनी के शेयर्स हम लोग स्टॉक मार्केट के अंदर देखते हैं कि कम होते हैं, ज़्यादा होते हैं, बढ़ते हैं, फिर कम होते हैं, तो उस तरीके से हमारा जो इन्वेस्टमेंट है अब वो कंपनी के शेयर्स पर डिपेंड करेगा। जिस जिस कंपनी के शेयर्स हम लोगों ने बाई किए थे 50,000 रुपीज़ में, अगर उन कंपनी के शेयर्स अच्छे परफॉर्मेंस देंगे तो हमारा जो फंड है वो इंक्रीज करेगा। तो ये मान लेते हैं हम लोग कि जो हमारा फंड इन्वेस्टमेंट किया था 50,000 रुपये का, वो एक महीने बाद बन चुका है 55,000 रुपये का। तो यहाँ पर जो यूनिट्स थी वो तो फिक्स थी, क्योंकि 5,000 थी। जो NAV थी वो बढ़ती रहती है, तो NAV यहाँ पर क्या हो गई? 55,000 डिवाइड बाय 5,000, NAV आ गई यहाँ पर 11 रुपीज़ की, जो पहले 10 रुपये थी। तो यहाँ पर एक का इन्वेस्टमेंट कितना था? एक के पास थे 100 यूनिट, अब NAV से अगर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसके पास जो फंड बन चुका है वो बन चुका है 1,100 रुपये का, 1,100 रुपीज़ का, जो उसके पास पहले था 1,000 रुपये का। बी के पास कितना था? बी के पास यहाँ पर जो यूनिट्स थी वो थी 1,500 यूनिट्स इंटू 11, वो कितना हो गया? 16,500। तो यहाँ तक तो आपको क्लियर हुआ होगा फ्रेंड। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के अंदर, तो आपको कोई ब्रोकर या डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाना पड़ता है। अगर आप चाहें कि मैं ऑनलाइन भी इसको, अगर आप चाहें कि मैं ऑनलाइन भी कर सकता हूँ या बैंक से भी करता हूँ, तो भी फ्रेंड्स कहीं ना कहीं वहाँ पर बीच में डिस्ट्रीब्यूटर और ब्रोकर तो मौजूद रहते ही रहते हैं। उनका एक कुछ सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं चार्ज या एंट्री लोड या एक्सपेंस रेशियो। तो इस तरीके की चीज़ें वहाँ पर आपको लगती हैं। तो यहाँ पर अब हम लोग जो बात करने वाले थे कि अब आपके पास दो तरीके होते हैं इन्वेस्टमेंट करने के म्यूचुअल फंड के अंदर। तो पहला तरीका तो होता है कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड, और दूसरा तरीका होता है रेगुलर म्यूचुअल फंड। तो अब हम इसको समझते हैं। तो पहला तरीका तो क्या होगा, जब आप डायरेक्टली AMC यानी कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ पर कोई म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करें
और उसके बाद उसमें इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो वो आपका डायरेक्ट प्लान होगा जहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, कोई आपको अलग से कोई चार्जेस नहीं लगेगा और सारा काम आप ही को करना है, KYC से लेकर आपको स्कीम चूज करने से लेकर सारा काम आपको करना है। पर वहां पर आपको NAV में डिफरेंस नजर आएगा, क्योंकि NAV को कैसे कैलकुलेट करेंगे डायरेक्ट प्लान में, वहां पर उसमें डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा। तो इस पे मैंने एक वीडियो और बनाया कि कैसे NAV कैलकुलेट होगी डायरेक्ट प्लान के अंदर और रेगुलर प्लान के अंदर, तो वो भी आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू अगर आप कोई प्लान लेते हैं, कोई म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर आपकी NAV अलग होगी और म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर क्या करेगा, वो आपको KYC में मदद कर देगा, वो आपको स्कीम चूज कराने में मदद कर देगा, वो आपको बता देगा कि आपको यहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, जो भी और भी तरीके की चीज़ होगी, क्योंकि उसका सर्टेन परसेंट ऑफ कमीशन भी वहाँ पर फिक्स होता है। तो इस तरीके की स्कीम्स को हम लोग रेगुलर म्यूचुअल फंड्स के अंदर बोलते हैं। तो अब हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, दोनों को एक बार समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या है। तो जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड के डायरेक्ट प्लान के अंदर, मतलब यू आर डीलिंग विद AMC डायरेक्टली, एसेट मैनेजमेंट कंपनी से आप डायरेक्टली डील कर रहे हैं, जबकि रेगुलर प्लान में यू इन्वेस्ट थ्रू डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर, वहां पर कोई डिस्ट्रीब्यूटर और एडवाइजर बीच में होता है, जिसको AMC कुछ अपफ्रंट फीस भी पे करती है उनकी सर्विसेज के लिए। तो वो जो फीस है वो कहां से पैसा निकालेंगे, वो आपसे कहीं ना कहीं पैसा निकलेगा उसका। तो अब इन्वेस्टर जो है ना, उसके पास दो ऑप्शन यहां पर बन जाते हैं कि अगर उसको कोई फीस नहीं देनी है, ठीक है, और उसको जो पैसा बचाता है उसको कहीं ना कहीं आगे चल के रिटर्न के अंदर उसका फायदा मिल जाएगा, तो वो लगभग क्या डिफरेंस में रिटर्न क्रिएट कर सकता है, वो 0.75 से लेकर 0.90 तक परसेंट के आसपास रिटर्न उसको एक्स्ट्रा मिल सकता है अगर वो डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करता है। तो 2012 के सितंबर मंथ में SEBI ने काफ़ी रिफॉर्म किया था म्यूचुअल फंड के अंदर, उसमें से उसने एक ये रिफॉर्म भी किया था कि उसने लॉन्च किया था डायरेक्ट प्लान को, तो ये एक बड़ा रिफॉर्म SEBI ने किया था यहाँ पर। उसके बाद हर AMC ने, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने लॉन्च कर दिया डायरेक्ट प्लान को, और जो अलाउ करता है इन्वेस्टर्स को कि वो डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट कर सकें बिना कोई डिस्ट्रीब्यूटर के, बिना कोई कमीशन के। तो यहाँ पर एसेट मैनेजमेंट कंपनी की हम लोग जो बात कर रहे हैं बार बार, एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो म्यूचुअल फंड की स्कीम को बनाती है, उसके बाद अपने फंड मैनेजर होता है और वो आपका सारा फंड को मैनेज करती है। तो जो एग्जिस्टिंग प्लान थे पहले के, वो बन गए अब रेगुलर प्लान्स, जिसके अंदर डिस्ट्रीब्यूटर्स को कमीशन पे किया जाता है। तो डायरेक्ट प्लान के अंदर जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो जो वहाँ पर आपका एक्सपेंस रेशियो होता है वो काफ़ी कम होता है एज़ कम्पेयर टू द रेगुलर प्लान और एग्जिस्टिंग प्लान से। तो जैसा कि फ्रेंड हम लोगों ने बात करी थी यहाँ पर कि डायरेक्ट प्लान के अंदर और रेगुलर प्लान के अंदर जो एक्सपेंस उसका होता है वो डिफरेंट होता है, उसके कारण उसका इम्पैक्ट NAV के ऊपर भी आता है। तो दोनों की NAV यहाँ पर अलग अलग चलेगी, ठीक है, बट यहाँ पर डिफरेंस कहाँ पर नहीं आता है, उसके जो स्कीम है उसका कैरेक्टरिस्टिक तो दोनों के लिए वही रहेगा, उसका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव भी वही रहेगा, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी भी वही रहेगी, एग्जिट लोड भी वही रहेगा, उसका एसेट्स का एलोकेशन कहाँ पर उसको एसेट्स को डालना है, उसका सेक्टर सिलेक्शन भी वही रहेगा। तो कुछ जो फंडामेंटल्स है उनके वो तो सेम ही रहेंगे, बट जो यहाँ पर डिफरेंस जो क्रिएट होता है, जो बेसिकली होता है, वो NAV पर डिपेंड करता है, नेट एसेट वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। अगर मैं आपसे एंड में कहूँ रिटर्न्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो बेनिफिट ज़्यादा मिलता है, बट आपको थोड़ा सा होमवर्क यहाँ पर करना पड़ जाता है, क्योंकि आपको ये पता करना होता है कि कौन सी स्कीम के अंदर इन्वेस्टमेंट करूँ, साथ ही साथ ये भी आपको पता होना चाहिए कि मुझे कौन सी वेबसाइट पे जाना है, कहाँ से अप्लाई करना है मुझे और मुझे क्या रिसिप्ट मिलेगी, तो वो सारे होमवर्क आपको करना होता है यहाँ पर। तो चलिए फ्रेंड एक बार हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं कि रेगुलर प्लान के अंदर और डायरेक्ट प्लान के अंदर NAV में क्या डिफरेंस होता है। तो जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर हम लोगों ने एक म्यूचुअल फंड की स्कीम को सिलेक्ट किया है, कोटक सिलेक्ट फोकस फंड, जो अभी रेगुलर प्लान के बारे में बता रहा है और उसकी NAV दिखा रहा है 33 रुपीज़। तो देखिए जो NAV यहाँ पर दिखा रहा है, ये कहीं ना कहीं 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी, जो ग्रोथ प्लान के अंदर बढ़ती 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 आज जो इसकी NAV आ गई, वो आ गई है 33.73 रुपीज़ में। तो ये इक्विटी डाइवर्सिफाइड का एक प्लान है, तो यहाँ पर आपको NAV यहाँ पर शो कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर आप ऑप्शन क्या देता है आपको यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन क्या दे रहा है अपने को, वो कि अगर आप रेगुलर प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं 25 साल तक, और अगर आप 5,000 रुपये की SIP करते हैं, जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न हम लोग एज्यूम करते हैं कि 15% होता, तो आप यहाँ पर जो वैल्यू इकट्ठी करते हैं वो करते हैं 1.21 करोड़ के आसपास, ये टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू होती है आफ्टर 25 ईयर। बट अगर वही स्कीम अगर आप डायरेक्ट प्लान के अंदर करते तो आपको यहाँ पर जो रिटर्न मिलता वो मिलता 1.45 करोड़ के आसपास, यानी कि जो टोटल एडिशनल सेविंग होती वो आपकी कितनी होती ये भी वो बता रहा है, तो 23.86 लाख की आपकी सेविंग होती। तो कहीं ना कहीं ये जो पैसा आपका था, ये कहीं ना कहीं कमीशन के फॉर्म में आपके एडवाइजर को, आपके ब्रोकर को मिल रहा था यहाँ पर,
तो हम लोग अब चलते हैं कि डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट कैसे करें। तो देखिए आप एनएवी, आप इसके ध्यान रखना कि 33.73 यहाँ पर एनएवी शो कर रहा है। अब हम लोग चलते हैं कि डायरेक्ट प्लान में, तो यहाँ पर बता रहा है कि गो डायरेक्ट। तो देखिए अब यहाँ पर जो आपके स्क्रीन के सामने आ रहा है वो डायरेक्ट प्लान के बारे में इन्फॉर्मेशन दे रहा है। इसकी एनएवी सबसे पहले आप देखिए यहाँ पर 35 रुपीज़ दिखा रही है, तो ये भी कहीं ना कहीं 10 रुपये से स्टार्ट हुई थी, जो ग्रोथ प्लान के अंदर बढ़ती बढ़ती आज 35 हो गई, यानी कि 2 रुपये का डिफरेंस दिखा रहा है एनएवी के अंदर और इसके अंदर। जबकि स्कीम सेम है, उसके फंडामेंटल सेम है, उसका सेक्टर एलोकेशन सेम है, उसके कैरेटिस्टिक सब कुछ सेम है, तो यहाँ पर आपको ये डिफरेंस एनएवी के अंदर दिखा रहा है। तो यहाँ पर लिखा हुआ आता है कि डायरेक्ट प्लान है या रेगुलर प्लान है। तो यहाँ पर आप कितना सेव कर सकते हैं उसने उसका एग्जैक्ट आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दे दी है, ठीक है। तो ये सारा आपको कितना एक साल में कितना रिटर्न आप इससे निकाल पाए हैं वो भी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर उसने दे दी है। अब इसकी हम एएमसी की साइड पे चलते हैं। एएमसी हम लोग जो डिस्कस करते आ रहे हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी, तो देखिए जब कोटक का फंड है तो यहाँ पर कोटक की एएमसी होगी, तो हम लोग वहाँ चलते हैं, वहाँ पर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी हम लोगों को सारी कि ये फंड में कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा, किस चीज़ पर फोकस कर रहे हैं, फंड मैनेजर्स का कौन है, इसका बेंचमार्क क्या है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पर मिल जाएगी, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेक्टर लिए हुए हैं, किस किस स्टॉक के अंदर कितना कितना परसेंट का इसके अंदर जो है वो कवरेज दिया गया है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ मिल जाएगी, सारा आपको इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली यहाँ पर मिल जाएगी स्कीम से रिलेटेड। तो आप स्कीम को पढ़ सकते हैं, उसके बाद अगर आपको लगता है तो आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। सो आई होप फ्रेंड आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इसको लाइक करें। चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरीके की वीडियोस आपको वहाँ पर रोजाना मिलती रहेगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो के अंदर, जब तक के लिए गुड बाय।